चलो बच्चों नमस्ते। आज के अपन जीव विज्ञान के अंतर्गत आज का अपन टॉपिक पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय। समन्वय मतलब आपसी सूझबूझ या आपसी सामंजस्य, है ना, एक दूसरे के कॉपरेशन से किसी भी काम को करना। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में अलग अलग अंग तंत्र हैं। प्रत्येक अंग तंत्र को कार्य करने के लिए अंगों का समूह है। जो अंगों के समूह है, ये दूसरे अंगों के साथ में मिलकर या दूसरे तंत्र के साथ में मिलकर किसी भी कार्य परिणाम प्राप्त होता है, इस परिणाम को हम बोलते हैं किसी भी शरीर के किसी भी अंग द्वारा कोई भी कार्य किया। मान लीजिए यदि हम पोषण की बात करते हैं, हम जीभ पे खाना रखते हैं, हमें स्वाद आता है। क्यों? क्योंकि स्वाद ग्रंथियां तुरंत क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और मस्तिष्क इसके ऊपर कंट्रोल। मस्तिष्क और स्वाद ग्रंथियों का आपसी सामंजस्य है, उसका परिणाम क्या है, हमें स्वाद के रूप में दिखाई। यही आपसी सामंजस्य क्या कहलाता है, नियंत्रण और समन्वय, जिसमें नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा, और समन्वय किसके द्वारा होता है, अंग तंत्रों के द्वारा। अब एक दूसरे के साथ में जब सकारात्मक सहयोग मिला है, इस सकारात्मक सहयोग को ही हम क्या बोलते हैं, नियंत्रण और समन्वय। अब ये जो नियंत्रण और समन्वय है, ये दो प्रकार से होता है। एक होता है हार्मोनल समन्वय और दूसरा होता है तंत्रकीय समन्वय। तंत्रकीय समन्वय किसके द्वारा कंट्रोल होता है, मस्तिष्क के द्वारा। ये हार्मोन समन्वय किसके द्वारा होता है, ग्रंथियों के द्वारा। ये ग्रंथियां शरीर में बाहरी स्त्राव वाली, नलिका वाली हो सकती है, जिसमें स्त्राव नलिका से बहता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर कौन सी ग्रंथियां हैं, पसीने की या स्वेद ग्रंथि, या अब ये वाली जो ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां शरीर के ऊपर पसीने को या तेल की को पहुंचाने के लिए नलिकाओं के द्वारा इनका क्या होता है, परिवहन होता है। ये जो ग्रंथियां हैं, ये कहलाती हैं बहिस्त्राव। ये ग्रंथियां कहलाती हैं बहिस्त्राव ग्रंथियां, क्योंकि इसके द्वारा जो बहने वाला स्त्राव है या बहने वाला पदार्थ है, ये सीधे नलिकाओं के द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से या ऊपरी परत के ऊपर कार्य करता है, जो शरीर बनाने और शरीर के ऊपर तेलीय परत बनाने में काम।
इसलिए हम कहेंगे बहिस्त्राव ग्रंथियां या नलिकादार ग्रंथि, इनसे नलियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथियां हैं नलिका विहीन ग्रंथि, ये जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं जो अपने अंदर के स्त्राव को सीधे कौन से विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा, इनका जो स्त्राव है ये सीधे रुधिर में पहुंच जाता है। ये बहाव के साथ में ये स्त्राव शरीर के समस्त अंगों तक पहुंच जाता। अब चूंकि इन नलिकाओं का पूर्णतः अभाव होता है, इन ग्रंथियों में नलिकाओं का पूर्णतः अभाव होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। इन ग्रंथियों में नलिका
है हार्मोन्स नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले वे कार्बनिक यौगिक हैं जो सीधे रुधिर में पहुंचते हैं। रुधिर के बहाव के साथ ये उन विशिष्ट अंगों में पहुंचते हैं जहां इनकी आवश्यकता होती है। इन विशिष्ट अंगों के कोशिकाओं और ऊतकों को कार्यों का ये नियंत्रण करते हैं। जिन अंगों में ये पहुंचते हैं, जिन अंगों के साथ इनका कार्य होता है, वे अंग कहलाते हैं लक्ष्य अंग और ये पदार्थ कहलाते हैं हार्मोन्स। अब जो हार्मोन है इसको हम एक शाब्दिक अर्थ में ले सकते हैं, ऐसा पदार्थ जो उत्तेजित करे या उत्तेजित करने वाला प्रभाव। अब ये हार्मोन्स इनके क्या गुण है या इनकी क्या विशेषताएं? ये जो हार्मोन्स हैं, ये रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन, अमीनो अम्ल, पेप्टिसाइड्स, पेप्टाइड्स या स्टेरॉइड्स कार्बनिक रूप से ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स और स्टेरॉइड्स के बने होते हैं। दूसरी चीज, ये नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं। इनका स्रावण बहुत कम मात्रा में होता है। ये जो हार्मोन्स हैं, बहुत थोड़ी सी मात्रा में इन नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और कम मात्रा में स्रावित होने के कारण इनकी कम मात्रा ही क्या हो जाती है, उस कार्य को करने के लिए सफिशियंट या काफी हो जाती है, मतलब इनका कम सांद्रण ही कार्य को करने में उपयोगी हो जाता है। बहुत कम मात्रा भी या इसका बहुत कम सांद्रण भी उस विशिष्ट कार्य को या विशिष्ट अंग के कार्य को करने के लिए पर्याप्त हो। ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स जल और रुधिर, जल और रुधिर दोनों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जल और रुधिर दोनों में घुलनशील होते हैं। अब जल और उसमें घुलनशील होने के कारण क्या होता है, अब इनका अणुभार भी कम हो जाता है ना, क्योंकि ये रुधिर में जल में क्या हो जाता है, आसानी से क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं। जल में घुलते हैं और विसरण विधि ही द्वारा ये उन विशिष्ट अंगों तक पहुंच जाते हैं। एक विशेषता इनकी ये है कि जब ये हार्मोन्स अपना कार्य करते हैं या रुधिर या जल में विसरित होकर आगे बढ़ते हैं, तब क्या करते हैं, ये बहुत जल्दी विघटित हो जाते हैं। बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, विघटित होते जा रहे हैं। अब तुरंत बनते हैं, तुरंत विघटित होते हैं, इनका स्रावण क्या होता है, लगातार होता है। लगातार बनते हैं, कोई स्टोरेज में गुण नहीं होता है कि एक साथ स्रावित हो गए और स्टोरेज गुण के कारण ये धीरे धीरे काम करते हैं।
किसी भी कार्य को करने के लिए जिस अंग में इनकी आवश्यकता होती है ये हार्मोन्स तुरंत स्रावित होते जाते हैं और तुरंत विघटित होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डिपोजिशन या जमाव इन हार्मोन्स का शरीर में नहीं पाया जाता। ये हार्मोन्स किसी भी स्थान पर या किसी भी कार्य को करने के लिए रासायनिक क्रियाओं को जब ये करते हैं तो ये सीधे कार्य नहीं करते, ये अंगों पर सीधे कार्य नहीं करते। क्या होता है, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ये लक्ष्य अंगों को प्रभावित करते हैं। लक्ष्य अंगों को प्रभावित करते हैं या नियंत्रित करते हैं, सीधे रासायनिक क्रिया द्वारा कार्य नहीं करते। ये हार्मोन्स उन अंगों को नियंत्रित करते हैं और उन अंगों के द्वारा कार्य करने में नियंत्रित करते हैं। अच्छा, ये जो हार्मोन्स हैं किसी भी जाति या किसी भी विशिष्ट किसी भी जाति के लिए कोई हार्मोन विशिष्ट नहीं होता कि ये हार्मोन इस जाति के जंतुओं पर के साथ में ही कार्य करेगा या इस जंतु इस विशिष्ट जाति के जंतुओं में ही स्रावित होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इनका अनुवांशिक क्रियाओं से भी कोई संबंध नहीं होता या अनुवांशिकी के कारण भी कि ये कोई प्रभाव ऐसा है जो अनुवांशिकी को प्रभावित करता है या अनुवांशिकी से प्रभावित होता है। कोई विशिष्ट व्यक्ति या कोई विशिष्ट जाति नहीं है कि इस विशिष्ट जाति में ही ये हार्मोन स्रावित होंगे या ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स अनुवांशिकी से भी इनका कोई संबंध नहीं। इतना समझ में आ रहा है, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां बच्चे बीच में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने कंफ्यूजन को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां तुरंत पूछा करिए। इतना समझ में आ गया, हाथ उठा के बताइए। काला पीपल वाले बच्चे, खाचरोद वाले बच्चे, नसुरागंज वाले और पांडुरना वाली बच्चियां, सबको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में जब इसके कार्य, ये हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं, हार्मोन्स के कार्य क्या है। पहला, ये शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। शरीर की समस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का नियंत्रण इन हार्मोन्स के द्वारा होता है। फिर से ये हार्मोन्स वृद्धि, विकास और पुनरुद्बोधन पर नियंत्रण रखते। शरीर की वृद्धि, शरीर के विकास और शरीर का पुनरुद्बोधन, मतलब पुनरुद्बोधन मतलब जो शरीर में टूट फूट होती है नई कोशिकाओं के द्वारा घावों को भरना या टूट फूट होने वाली अंगों में या टूट फूट हो जाने वाली कोशिकाओं को फिर से रिपेयर करना, इन क्रियाओं के ऊपर ये नियंत्रण रखता है। फिर जो हार्मोन्स हैं, ये ही हार्मोन्स द्वितीयक लैंगिक लक्षण और प्रजनन क्रिया
इनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। ये हार्मोन्स द्वितीय लैंगिक लक्षण, प्रजनन क्रिया आदि पर नियंत्रण करते हैं। अब किस प्रकार से नियंत्रण, जैसे उदाहरण के लिए जो पुरुष है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन है ना, इसका सीक्रेशन या इसका स्त्रावण, जिससे पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाई पड़ते, और इसी प्रकार से स्त्रियों में, स्त्रियों में पाया जाना वाला प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन स्त्रियों में होने वाले द्वितीय लैंगिक लक्षणों को दिखाई पड़ने के लिए या विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ये इनके ऊपर नियंत्रण। फिर एक इनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि ये जो हार्मोन्स है, ये जो दूसरी अन्य ग्रंथियां हैं, ये दूसरी अन्य ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं, उनके क्या करता है, नियंत्रण रखते। जैसे क्या है, जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि हमको मालूम है, हम इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो पीयूष ग्रंथि है, यह अन्य ग्रंथियों की क्रिया प्रणाली को क्या करती है, नियंत्रित करती है। फिर ये जो हार्मोन्स हैं, ये जंतुओं में जो वातावरण है उसके अनुकूलन संबंधी जो गुण है, अनुकूलन संबंधी जो गुण है, इन अनुकूलन संबंधी गुण के लक्षणों का विकास करते। ये जो हार्मोन्स हैं, ये जंतुओं में वातावरण के हिसाब से अनुकूलन करने के लिए जो लक्षण होते हैं, इन लक्षणों का विकास। ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स व्यक्ति के स्वभाव, शारीरिक भावों को, इन पर नियंत्रण भी रखते। अर्थात यदि हमें किसी के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने गुस्से को दबाने की, और एक्शन ऐसा दे रहे हैं कि जो हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, हम अंदर ही अंदर उस चीज को, अपने गुस्से को नियंत्रित कर रहे हैं, इस कार्य करने के लिए भी हार्मोन्स हमारा नियंत्रित करते हैं, हमारे इन भावों को भी क्या करते हैं, हमारे स्वभाव को, हमारे गतिविधियों को, हमारे प्रदर्शित होने वाले भावों को भी ये हार्मोन्स प्रभावित करते हैं या नियंत्रित। ये होगा हार्मोन्स के गुण। अब अपन पढ़ेंगे कि जो हमारे शरीर में, मानव में अंतःस्रावी ग्रंथ या अंतःस्रावी अंग तंत्र, हमारे शरीर में अंतःस्रावी करने वाली ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी हैं, थायराइड, पैराथायराइड,
एड्रीनल, पिट्यूटरी, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रियास, या पीनियल ग्रंथि। ये तो क्या हो गई, ये अलग-अलग हार्मोन्स और अलग-अलग कार्य को प्रभावित या और नियंत्रित करने वाली प्रमुख ग्रंथियां। इसके अलावा अन्य मिश्रित ग्रंथियां हैं। मिश्रित ग्रंथियां मतलब ये ग्रंथियां अंगों के समान कार्य भी करती हैं और इनसे निकलने वाला स्राव हार्मोन के समान कार्य करता है, जिसमें है अग्नाशय या पैंक्रियास, और दूसरा है ये अग्नाशय में कौन से अंग हैं जो लेगर हैंड्स के जो द्वीप समूह कहलाते हैं। ये जो लेगर हैंड्स के द्वीप समूह कहलाते हैं। जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, थायरोक्सिन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है जो शरीर की समस्त उपापचय इन क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो शरीर की समस्त उपापचय क्रिया है उनका नियंत्रण या उनको एक्सलेरेट करना, मतलब उनको तीव्र करना या उनको धीमा करना, ये समस्त गतिविधियां कौन करता है, थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये जब शरीर में मात्रा से अधिक बनने लगता है तो शरीर की समस्त क्रियाएं क्या हो जाती हैं, बहुत तेज हो जाती है। जैसे पाचन बहुत जल्दी पाचन हो जाता, इंसान को तुरंत तुरंत भूख खाया और तुरंत पाचन की क्रिया हो जाती है। ये जब ये कम निकलता है तब क्रिया बहुत क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तब थोड़ा सा खाया हुआ भोजन भी पचने में बहुत अधिक समय लगता। जब बढ़े हुए थायरॉक्सिन में पाचन क्रिया तेज हो जाती है तब क्या होता है, एंजाइटी या एक बेचैनी होती, क्योंकि समस्त क्रियाएं तेज हो जाती है तो क्या होता है, नींद कम आना, बेचैनी, रक्तचाप बढ़ जाना, धीमी होने पर लगातार सुस्ती आना, क्योंकि पाचन क्रिया सही तरीके से हो ही नहीं पाती। हालांकि हमारे ये थायरॉक्सिन बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, परंतु इसकी उतनी कम मात्रा ही हमारे शरीर की समस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, समस्त उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। इसकी कम आवश्यकता से कम मात्रा स्रावित होना और आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होना भी शरीर को क्या करता है, प्रभावित करता है। आज के इस लेसन में जिन बच्चों को कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी शंका हो या कोई चीज ऐसी नहीं समझ में आ रही हो, वो प्लीज पूछिए चिचोली बैतूल वाले से, हाथ हिला के मुझे जवाब दीजिएगा। उज्जैन वाले बच्चों को समझ में आया सबको, शास्त्री नगर, ओके। और ग्यारसपुर विदिशा के बच्चे, ग्यारसपुर विदिशा के बच्चे सुन पा रहे हैं मुझे,
नहीं सुन पा रहे, कोई ऐसी चीज हो जो नहीं समझ में आई होगी आपको, इसके बाद का हम अपने अगला जो लेसन है उसमें कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आज यहाँ जो कुछ भी आप लोगों का थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, आप लोग वो कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो, और नहीं तो मैं पूछती हूँ प्रश्न। चलिए नसरुल्लागंज वाले बच्चों से पूछती हूँ मैं, सीहोर वाले बच्चों से। कोई बच्चा एकाध गुण बता पाएगा मुझे हार्मोन का? कोई बच्चा मुझे नसरुल्लागंज सीहोर वाले बच्चे एक भी नहीं लेके बैठे? चलिए तो हम आज का अपना ये समाप्त करते हैं लेसन। अगले लेसन, हाँ कहाँ कहाँ से आवाज आ रही? हेलो, हाँ बोलिए। सर ये कहाँ सभी से बोल रहे हैं? नसरुल्लगन सीहोर जी हाँ जी हाँ जी, पूछिए। मैम, ये सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, हार्मोन्स के कार्य बता रहे हैं, जी 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 वेरी और गुड ये सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं, वेरी गुड और हमारे शरीर में होने वाले वृद्धि और विकास का नियंत्रण करते हैं। थैंक शाबाश वेरी गुड, ताली। यू मैम। चलिए नमस्ते, अपन अब अगली क्लास में मिलेंगे।